तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह बहुत सारे काम है आज भी हमारे पास में। और आपको पता है ना, मैंने 30 डे 30 वीडियो का चैलेंज लिया था, लेकिन किसी कारणवश मैं 2 वीडियो नहीं डाल पाया। तो उस वजह से वो 30 डे वाला चैलेंज जो है ना, वो तो अपन रिपीट फिर से कर लेंगे, लेकिन ये वाला जो एपिसोड है ना, ये काफी बड़ा होने वाला है आज का, ठीक है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाली थी मैंने, तो इस वजह से ये वाला एक महा एपिसोड तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन हाँ एक बड़ा एपिसोड। बाकी यस, अगर अभी तक लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना फटाफट से। एंड चलो यार, आज हमको बहुत सारे काम है। आपको पता है ना, काफ़ी टाइम से हम लोग बहुत सारी जो फैक्ट्री है ना, जो हमने लगा रखी थी, उनको हम लोग रीपोजिशन करने के चक्कर में ना हटा दे रहे थे। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डोनट की फैक्ट्री हटा दी थी, प्लस हमने डेयरी नहीं हटाई थी, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें। जैसे आज हम ग्रेप जूस की जो फैक्ट्री है ना, वो उसको भी थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ही, प्लस हमारी एक बहुत ही बड़ी फील्ड हमने परचेस करी थी, उसके अंदर हमको कुछ प्लांटेशन का काम करना है। एंड ये वाली जो ग्रास की लैंड है ना, आप लोग भी काफ़ी टाइम से बोल रहे हो कि ये जो एनिमल्स के बान वगैरह है ना, इनको मैं रीपोजिशन करूँ, एक एरिया के अंदर इनको सेपरेट करूँ। और मैं बोल भी रहा हूँ कि हाँ भाई, इन सब जितने भी एनिमल्स के बान है ना, पेस्चर है ना, सभी को हम लोग एक एरिया के अंदर करेंगे, और उसके लिए मेरे को ये वाली फील्ड फ्री करना ज़रूरी है। तो आज हम लोग यहाँ पे जितनी भी सारी ग्रास पड़ी हुई है ना, इसको भी हम लोग समेट लेंगे। खैर, हार्वेस्ट करने का तो ऑप्शन नहीं आ रहा, आई मीन मूव करने का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हाँ जो कुछ भी पड़ा हुआ है इसको भी हम लोग समेट लेंगे। बाकी लेट्स गो। सबसे पहले तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे काम है आज हमारे पास में, तो यस डेफिनेटली एक बड़ा एपिसोड होने वाला है। तो मस्त यार, देखना पूरा एपिसोड। फिलहाल अपन ना अपनी जो नई वाली फील्ड है ना, अपने जो नए नए जो ब्रिज बना रखे अपनों ने, मैं हाथों से इधर आते हैं, देखते हैं कि इस वाली फील्ड के अंदर क्या चीज़ की ज़रूरत है। बाकी वेट, उधर सबसे एंड ऑफ द फील्ड है ना, वहाँ पर अपना एक व्हीकल पड़ा हुआ है, जिसकी मदद से मैं कल्टीवेट कर रहा था ना, तो सीधे वहीं पे चलते हैं। और आपको पता है ना, मेरे पास पैसे बहुत सारे पड़े हुए, एक बार मैं शॉप देख लूँ क्या, यहाँ पे भी कुछ आ नहीं रहा है। ये देखो बहुत ही नकली सा मामला आ रहा है। तो अपने को ना बहुत ही जल्दी बहुत हैवी हैवी व्हीकल, ये जो लार्ज ट्रैक्टर है ना, ये वाले, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अपने पास में सिर्फ 2 यार ले देखे, और अपने बहुत सारे काम ना रुके पड़े। बाकी चलो अभी जो 2 है ना, उनसे काम करते हैं। एक तो ये पड़ा हुआ है, जिसके पीछे कल्टीवेटर लगा रखा है अपनों ने। ओके, तो पहला व्हीकल अपना ये पड़ा हुआ है। और इस फील्ड के अंदर भी अगर मैं देखूँ ना, तो देखो यहाँ पे वीडर का कहाँ से आ गया भाई, एक मिनट। ओके, इस जगह पे आ रहा है वीड ग्रोवर, ये जो कि ये दिख रही ना थोड़ी सी ग्रोवर की। बाकी इधर कुछ भी वीड वगैरह का नहीं आ रहा है, यहाँ पे बस लाइन छिड़कने का बता रहा है अपने को। तो सीडिंग करने से पहले अपने को लाइन छिड़कना पड़ेगा। पता है ना, हमेशा क्या करते हैं अपन, सीडिंग कर लेते और फिर देखते कि अरे वही लाइन का काम पड़ा हुआ है इसके अंदर, एंड बाद में लाइन अपन कर ही नहीं पाते। तो चलो यार, पहले सबसे पहले कल्टीवेटर की जहाँ पे जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो कल्टीवेटर को लेकर चल लेते हैं अपनी फील्ड के ऊपर। बाकी यार एक बार अपनी ये फील्ड वील्ड फ्री हो जाए ना, मतलब ये जो घास वाली फील्ड है बीच की, ये फ्री हो जाए, प्लस ये जो 2-3 और काम है ना, ये जो फैक्ट्री की रिपोजिशनिंग, ये हो जाना एक बार, तो फिर अगली वाली वीडियो के अंदर शायद से अपन अपने पूरे फार्म का जो वो है ना, जो अपना बहुत सारा मामला फैला हुआ है ना इधर से उधर, तो उसको अपन ना एकदम व्यवस्थित तरीके से कर देंगे। बाकी चलो, कल्टीवेटर लेके तो मैं आ चुका हूँ, मेरे को सबसे पहले लाइन छिड़कने वाला टूल देखना है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। और जो ये घास है ना इस फील्ड के अंदर, तो घास भी अपन 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो बहुत ही बेसिक तरीका जो अपन हर बार फॉलो करते हैं, मतलब बेल बना के फिर बेल को समेटना, एंड एक और तरीका जो आप लोग बोल रहे थे, जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है कभी भी, ये जो फॉरेज हार्वेस्टर है ना अपना, इसकी मदद से भी अपन घास को समेट सकते हैं। मतलब जो बड़ा वाला ट्रेलर है ना अपना, उसको इसके पीछे, उसकी कैपेसिटी पता ना 1 लाख लीटर कैपेसिटी है उसकी, तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। तो उसको अपन सीधा इसके पीछे कनेक्ट करवा के ना डायरेक्टली भी घास को समेट सकते हैं। तो वो भी देखना पड़ेगा, खैर मैंने कभी ट्राई तो किया नहीं है वो, लेकिन आज अपन वो भी ट्राई करके देख लेंगे। अगर वो वाली प्रोसेस थोड़ी अच्छी लगी तो फिर वो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और वो पड़ा हुआ अपना लाइन छिड़कने का टूल, चलो। और इसके अंदर लाइम पड़ी हुई भी है, तो अच्छी बात है ना। ये लाइम या सॉलिड फर्टिलाइजर है, एक मिनट देख लेते हैं, लेट्स गो। अरे भाई, ये सॉलिड फर्टिलाइजर है, एंड आई डोंट थिंक सो मैं इसको खाली करवा सकता हूँ कहीं पर भी। ओके, काम करते हैं। सबसे पहले जो ये जो यहाँ पे सॉलिड फर्टिलाइजर है ना, ओ ना, इसमें इसको खाली करवा सकता हूँ, तो बढ़िया है। एक्चुअली लाइम क्या है कि लाइम इस टूल के अलावा मैं दूसरे टूल से नहीं स्प्रे कर सकता हूँ। वो अपने पास में फर्टिलाइजर भी पड़ा हुआ है, बट अपन उससे लाइम नहीं छिड़क सकते। बाकी मैं इसको खरीदूँ कहाँ से यार। अच्छा हाँ, आपने एक बाइंग स्टेशन लगाया था शॉप के अंदर, आई मीन ये जो सुपर मार्केट है ना, उसके अंदर लगाया था। तो लेट्स गो। बाकी चलो, ये रह गई अपनी बाइंग स्टेशन। इसके ऊपर नाम वगैरह लिख के ना इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देंगे अपन। बाकी ठीक है, यहाँ से अपन लाइम डलवा लेते हैं इसके अंदर, ज़्यादा पैसे लगेंगे नहीं लाइम के, एंड 100%। और कितने लगे, $1600 बस खाली। तो चलो यार, लगा देते अपने फील्ड के अंदर अपने व्हीकल को, एंड जैसे कि मैंने कहा कि मैं खुद करने वाला हूँ, तो चलो इसको ऑन नीचे करते ऑन करते मैं खुद ही डालने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, और वैसे भी बहुत बड़ी फील्ड है ये। अब ये तो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है यार, मैंने 1 लाइन करी, मुझे पता है मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ 1 लाइन करे हुए भी, लेकिन आपको पता है ना, हमको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड गेम प्ले की आदत है एकदम से। अरे वेट, मैं बताइए क्या सोच रहा हूँ, देखो अपने को सीडिंग भी करनी है इसके अंदर, तो मैं काम करता हूँ, इसको 2 मिनट के लिए मैं वर्कर को दे रहा हूँ,
अब ये जो वर्कर है ना, ये इसके अंदर थोड़ी बहुत लाइम छिड़किएगा, इतने फटाफट से अपन चल के ना सीडर कनेक्ट करवा के लिए आते हैं, जो प्लांटर सीडर जो भी है ना। मेरे को वैसे प्लान क्या करना है यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं ओट प्लान करने की सोच रहा था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वीटी प्लांट किया जाए यार, है ना। ओके तो ये पड़ा हुआ है अपना दूसरा व्हीकल, तो ये तो मैं ले लूंगा। मेरे को एक मिनट यार, अपने ओन व्हीकल में जाके ना सीडर देखने दो, मेरे पास सीडर प्लांटर कुछ, देखो प्लांटर है मेरे पास में एंड सीडर भी पड़ा हुआ है मेरे पास में, अरे नाइस। एंड ये पड़ा हुआ है अपने ग्रास ड्रायर के पीछे, तो ठीक है बढ़िया है। बाकी मेरे ख्याल से मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली अभी, ये जो है ना मूव करने के टूल, तो इनको ना अपन मस्त एक जगह पे रखवा देते हैं अपने पार्किंग जोन के अंदर ही। इस घोड़े को मैंने यहाँ पे छोड़ा था, ये बेचारा ना यहीं का यहीं खड़ा है, ठीक है। अभी भी वैसे इसकी जान नहीं जा रही यार, ऐसा मत सोचना कि मर जाएगा, नहीं भाई कुछ भी नहीं होगा। इसको कितने 51 महीने हो चुके हैं इसको, क्या मजाक कर रहे हो, अपने को 51 मंथ हो चुके हैं क्या गेम कुछ स्टार्ट करे हुए, मतलब इस मैप को स्टार्ट करे हुए, क्योंकि अपना तो स्टार्टिंग में खरीद लिया था इसको जहां तक मेरे को याद है। बाकी इधर देखोगे ना तो फूड वगैरह इधर 0 लीटर है। एंड अभी सीडिंग करने चलते हैं अपन, उससे पहले यार आप लोग भी बोल रहे थे और कि यार ये जो गेम है ना इसको बहुत ज्यादा रियलिस्टिकता आप लोग को नहीं करना चाहिए, थोड़ा गेम को गेम की तरफ भी लेना चाहिए, तो अपन वो ही करेंगे। अब बहुत एक्सट्रीमली रियलिस्टिकता जो अपन करते हैं ना वैसा नहीं करने वाले। अभी फटाफट से देखो अपने पास खाना तो है नहीं, मतलब ऑफकोर्स ही बात है अपने पास पूरी फील्ड रह गई है घास की, बट उसको यार अभी बैल बनाने में इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अपने पास बहुत बड़ा वाला ट्रेलर है, तो क्यों ना यार बहुत सारी है अपन शॉप से खरीदे और देखे तो सही यार, एक पूरा ट्रेलर खरीदने पहले कितने पैसे लगते हैं अपने, अगर बहुत सारा पैसे नहीं लगेंगे तो फिर अपन खरीद लिया करेंगे यार शॉप से, है कि नहीं। तो वैसे मेरा ट्रक वहां पे पड़ा हुआ है, तो चलो भाई इसी को लेके चलते हैं। और आपको पता है इसको वैसे भी अपनों ने दिल से खरीदा था यार, पता है ना इसकी डिजाइनिंग के लिए सिर्फ। एंड एक सेकंड रुको, चलते अपन एक बार यहीं पे उतर के ना एक बार हनी चेक करके आ जाते हैं यार। मैं सोच रहा हूँ हनी बेच देते यार, क्योंकि इकट्ठा भी होती तो क्या ही मतलब आ रहा है उसका। यहाँ पे भी देख ले अपन तो 2 सिक्टर, यानी कि कितनी ज्यादा हनी पड़ी हुई अपने पास, जो जितनी हनी है ना उसके डबल पैसे कर लो। यस यार अपन कर सकते हैं। एंड बाय द वे क्योंकि इतने पैसे पड़े हुए तो मैं क्या सोच रहा हूँ ये फील्ड भी परचेस कर ली जाए क्या आज ही यार, मतलब जो 43 नंबर की फील्ड है ना बाय द वे कितने रुपए की आ रही है, ये मिल रही है अपने को ऑलमोस्ट 500K की, मतलब है ना 460,000 डॉलर। बाकी मैं अपनी फील्ड दिखाऊ ना तो ये देखो भाई, ये जो इतना एरिया हाईलाइटेड होकर दिख रहा ना, इतनी सारी फील्ड अपनों ने ओन कर रखी है अभी तक, इधर से 1 नंबर की फील्ड और 22 नंबर की, ये दोनों फील्ड भी परचेस कर लेंगे ना, ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई हो जाएगा अपने पास में। अभी फिलहाल वो जो ट्रेलर है ना अपना बहुत ही बड़ा वाला, वो कनेक्ट करवाते एंड बहुत सारी हे खरीद के लाते हैं। एक बार देखे तो सही यार कि मतलब हे खरीदने के टोटल पैसे कितने लगते हैं। मैं अभी तक हे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि हे खरीदने के ना बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। एंड दूसरा कारण मैंने आपको बताया था कि अपन ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपन खुद प्रोड्यूस करने का ट्राई करते हैं ना, मतलब इंस्टेड ऑफ खरीदे शॉप से, क्योंकि अगर शॉप से खरीदने लग जाएंगे ना तो फिर अपन उसका प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं, समझ रहे हो ना बात को, दैट्स व्हाई। बाकी ठीक है इसको कनेक्ट करते हो, और ये जो लकड़ी है ना इसको यहीं पर खुलवाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अपना जो ट्रक है ना इसके अंदर भी फ्यूल बिल्कुल ही खत्म हो रखा है, तो चलो भाई इधर से चलते चलते ना अपने शॉप के पास में पेट्रोल पंप रह गया है, तो वहाँ से फ्यूल भी डलवा देंगे इसके अंदर। एंड लेट्स सी, देखते हैं कि कितने पैसे लगते हैं अपने टोटल पूरा ट्रेलर भर के हे खरीदने के। आज मैं फर्स्ट पर्सन में अगर चलाऊँ इसको मार्केट के अंदर तो कितना मस्त लगता है। बाकी वेट यार, इस जगह को पहले मेरे को सही करने दो। यहाँ पे एक्चुअली सीन क्या हो रहा है, बिल्ड मोड के अंदर आ जाते हैं एंड यहाँ पे सीन क्या हुआ कि ये जो जगह है ना ये देखो यहाँ का स्लोप कितना बड़ा स्लोप है, तो यहाँ से उत्तर तो जाते हैं आसानी से लेकिन चढ़ नहीं पाता है। आपको पता ना लास्ट टाइम अपन जब यहाँ से ट्रक को चढ़ा रहे थे तो अपने को बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो एक काम करते हैं यहाँ पे स्लोप लेते हैं एंड इसका एक एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं अपन इधर कहीं का। ऑलराइट ओके, तो आई थिंक से अभी एक बार देख लेते उतार के, उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं आती यार, उतरने में थोड़ी ना दिक्कत आएगी यार। बाकी यहाँ से ये चढ़ता नहीं है ट्रेलर अपना, काफी हेवी है ना एकदम। बाकी ठीक है मेरे ख्याल से अभी स्लोप यहाँ का एकदम परफेक्ट हो चुका है, लेट्स गो शॉप पे आ जाते हैं। एंड ओ वेट, यहाँ पर ये कौन सा पड़ा हुआ है, अभी एक सेकंड, ये जेसीबी यहाँ से कहा, मतलब ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, क्या मैंने कभी इसको रीसेट किया था क्या। अभी फिलहाल आ जाते शॉप के अंदर एंड यहाँ से खरीदते अपन स्क्वायर बेल, जो कि एक बेल 8,000 लीटर की है और इसकी कॉस्ट है $1,490 एक बेल की। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से सीधे 8 बेल करते एंड 8 बेल की कॉस्ट आ रही मेरे को $10,000। ऑलराइट, तो मैंने $50,000 $60,000 की होगी। ये पैसे कहाँ पे कट रहे हैं, 62, 63, 65, 50। अच्छा हाँ, लाइन वाला वो कॉन्ट्रेक्टर एक वर्कर काम कर रहा है ना। बाकी ठीक है, आ जाते हैं अपने ट्रक के अंदर और देखते हैं क्या सारी बेल अपनी एक बार में लोड हो पाती है फिर नहीं। ओके वेट वेट वेट, लेट्स गो। एंड ठीक है, ओ सीरियसली एक स्टेक को लोड करवाने में अपनी 64,000 लीटर हो चुकी है, तो लेट्स गो। सभी सभी तो नहीं आएगी मेरे ख्याल से यार,
कि अपना ट्रेलर ना 3 स्टैक से ज्यादा लोड नहीं करता एक बार में, तो 280,000 लीटर अभी तो बहुत सारी कहां से भी। तो लास्ट बिल रख दी इसने फिर से, अपने क्या सीन है यार, ये एक बिल रख के मतलब क्या हो गया इसको। बाकी एक मिनट रुको, हाँ तो एक चीज देख रहे हो क्या, 3, 12 और 8,000 की बेल नीचे पड़ी है, तो 320,000 लीटर टोटल है मिली अपने को $60,000 की। तो यार बिल्कुल ज्यादा, ये ज्यादा खतरनाक नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा पैसे लग गए अपने। मेरे को तो पता है क्या लग रहा था कि मिलियंस में पैसे लग जाएंगे अपने हे अगर अपन शॉप से खरीदते हैं तो, बाकी ऐसा नहीं यार, ये तो बहुत सस्ती पड़ गई अपने, मतलब क्योंकि यार $50,000-$60,000 तो ऐसे ही आके चले जाते हैं आपको पता है ना, बिल्कुल मतलब पता भी नहीं लगता है। बाकी ठीक है, अपना ट्रक ना इस फ्यूल स्टेशन के यहाँ पे लगाते, इतना सारा कचरा फैला रखा ना अपने यहाँ पे, ये क्या है अब, ये लिक्विड फर्टिलाइजर, इधर सॉलिड फर्टिलाइजर देख रहे हो ना। बाकी ठीक है, इसको रिफिल करवा देते हैं अपन यहाँ से, तो फ्यूल डलता रहेगा अपने ट्रक के अंदर, एंड ये चीजें भी अपन समेट लेंगे यार। एंड बाय द वे देखा जाए ना तो एकदम सा अंधेरा होने को आया है, तो चलो यार मैं ना 2-3 ट्रेलर भर के डलवा दूंगा, 2-3 ट्रेलर बहुत ज्यादा हो जाएंगे यार, बट क्या बोलते हैं यार 2-3 ट्रेलर भर के डाल सकते हैं अपन, पेसर होता है बहुत सारे ही। एंड सीन क्या होगा कि बहुत लंबे टाइम तक ना ये अपने से खाना 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 करेंगे ही नहीं। एंड एक बार 60 इतना खाना नहीं डलवाना चाहिए मेरे को, पता है क्यों, क्योंकि आज अपन अपनी जो घास की लैंड है ना वो फ्री कर देंगे, और जैसे वो फ्री हुई उसके बाद तो अपन सारी बांध को मूव करवाने वाले ना, तो सारा खाना एक जगह डलवाने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, ये जो एक ट्रेलर है ना, एक ही ट्रेलर को थोड़ा सा मिल बांट के डाल देते हैं सारी बांध सारी पेस्टर के अंदर। एंड ये जो जगह दिख रहे ना लास्ट वीडियो के अंदर, यहाँ पर हमने लगाई थी कुकी फैक्ट्री, इसके अंदर हालांकि सामान डलवाना है अभी, और ये कुकी फैक्ट्री बेस्ट कुकी फैक्ट्री है, मतलब इससे पहले जो लगवाई थी ना मैंने वो तो मैंने गड़बड़ी लगा दी थी थोड़ी सी, बाकी ये अच्छी है। तो हमने क्लोथ टेलर शॉप भी लगा दी है, टेलर की फैक्ट्री कहने का मतलब। बाकी ये देखो यार, ये दिख गया वो सीन जो आप लोग बोल रहे थे कि यार ट्रक जब बहुत ज्यादा लोड आ जाता है और उसको खींचने में जो मतलब एकदम सा जोर आता है ना भयंकर सा, वो देखने में बड़ा मजा आता है, तो देख रहे हो वो इसकी नहीं। बाकी ओके बड़ा ही केयर, वैसे इसके अंदर खाना पड़ा हुआ यार, बट एक्चुअली नहीं है, अगर मैं अंदर से दिखाऊंगा तो वही आपको पता ही है, हर रोज दिन खाना डालना पड़ता है अपने को। बाकी ठीक है, इसको कर देते हैं राइट साइड में, इसको डलवाते हैं यहाँ पे, तो जितना खाना है ले लेगा। अभी काम करता हूँ मैं, बेल उठा लेता हूँ, थोड़ी बहुत बेल रहने देंगे यहाँ पे। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तो 5 बेलें यहाँ पे रहने देते हैं। एंड अब इधर डलवा, हाँ पहले इधर डलवा देते हैं। अबे यार ये लकड़ी के टुकड़े फंस गया ट्रेलर अपना, वेट ये सच में फंस गया है, निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। ओके ठीक है, अबे ये यहाँ पे किसने डाल रखा है, इसको मैं उठा नहीं सकता हूँ हालांकि हाथ से, पर एक काम कर सकते हैं अपन, अगर मैं इसका एक छोटा टुकड़ा काट लेता हूँ, अगर इस टुकड़े को उठा के इस टुकड़े से इस टुकड़े को धक्का दूंगा ना, तो बड़ी आसानी से मैं इसको धक्का दे सकता हूँ। चल 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 चल, हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं सुपर स्ट्रेंथ मोड भी तो यूज कर सकता हूँ, पर नहीं यार वो मोड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मेरे को, ऐसा लगता है कि गेम ना मतलब गेम क्यों ही खेल रहे अपन, फिर बड़ा अनरियल हो जाता है उसमें गेम पे। बाकी चलो इसको कर देते हैं राइट साइड में एक्चुअली, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आके ना इसको करवा देते हैं अनलोड राइट। एंड पोल्ट्री फार्म को भी निपटा ही देते हैं एक बार पोल्ट्री फार्म के लिए। ओके वेट, प्लान दरअसल ऐसा है थोड़ा सा, पहले तो अपने ट्रेलर के अंदर थोड़ी बहुत हे पड़ी हुई है 8,000 लीटर, तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि स्टोरेज के अंदर खाली करवा देते हैं, क्योंकि बांध तो अपने सारे फूल भरे पड़े, अभी भी खाना डलवाया अपने यहाँ पे। अपन पोल्ट्री फार्म के अंदर 2 तरीके से खाना डाल सकते हैं, एक तो रेगुलर जो हमेशा डालते हैं अपन आज ट्रेलर की मदद से, या तो अपन इसे डाल सकते हैं, या फिर मैं सोच रहा था कि जो पैलेट आते ना 1,000-2,000 लीटर कैपेसिटी के, वो पैलेट अपन ना 10-10 पैलेट एक एक फार्म के अंदर डाल देंगे। पर मेरे को पता है क्या लग रहा है कि पैलेट मेरे को शायद से महंगे पड़ेंगे अपनों को, बाकी ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस जगह पे हाँ ये रह गई अपनी ग्रेन सिलो, तो लेट्स गो यहाँ पे आते एंड डलवा लेते अपने इसके अंदर वीट। पहले काम करता हूँ सिर्फ 10,000 लीटर लोड करवाऊंगा मैं ना, उससे अपने को एक अंदाजा लग जाएगा दोनों प्राइस में डिफरेंस है या फिर नहीं है। ओके अरे ये कितना सस्ता है यहाँ पे, 10,000 लीटर देखो सिर्फ $5,700 का मिला मेरे को, तो यस यार इसके अंदर फायदा है डेफिनेटली सिलो के अंदर। तो चलो वैसे तो काफी अंधेरा दिख रहा है और मैंने लाइटें क्यों नहीं लगा रहा। ओह ये जो दिनेश नाम की लाइट है ना, दिनेश ही क्या, अच्छा नहीं डिनर लिखा हुआ है सॉरी, तो ये जो डिनर है ना लाइट कितनी जबरदस्त दिख रही है यार, लाइट और भी होती तो कितना मस्त हो जाता सीन। बाकी यार मैंने शॉप आई मीन मार्केट के अंदर एक भी लाइट नहीं लगा रखी है, तो जब भी अपन नेक्स्ट या फिर उसके नेक्स्ट किसी न किसी वीडियो के अंदर जब भी इस पूरे अपने फार्म के स्ट्रक्चर को डेकोरेट करेंगे ना अच्छे से, उस टाइम पे मैं सोच रहा हूँ इसकी लाइटिंग वगैरह भी कर देंगे अच्छे से। ओके डन, एंड टोटल खाना पड़ा है अपने 57,500 का पहले, तो यानी $60,000 का पूरा ट्रेलर भर गया अपना। इधर भी कितने सारे यार, ये जो एक के पैलेट है ना कितने सारे इकट्ठा हो गए इधर, इनका भी कुछ ना कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए क्या किसी दिन, क्या मतलब सारी जो एक के पैलेट है ना वो ऑटोमेटिक किसी न किसी स्टोरेज के अंदर शिफ्ट हो जाए अपने आप ही, है कि नहीं मस्त। बाकी चलो यार रिटर्न लगाते हैं। एंड वेट 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 वेट, ब्रेक ही नहीं लगते इस ट्रेलर के, एक तो पहले इसके अंदर डलवाते और इस तरीके से मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9
पोल्ट्री फार्म है टोटल, तो सबके अंदर डलवाते खाना के करके। अरे बहुत बड़ा ट्रेलर इस बार तो यार, मतलब सारी फार्म के अंदर आ जाएगा और उसके बाद भी खाना बच जाएगा मेरे ख्याल से। हर बार के अपन छोटे ट्रेलर से डलवाते ना तो उस पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती। बाकी यार डेयरी में देखो क्या यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट चीज बटर सारा कुछ बना दिया है इसने। यहाँ पे वैसे मिल्क और शुगर अभी भी पड़ा हुआ है, मतलब 10,000 लीटर मिल्क, 8,000 लीटर शुगर, लेकिन अभी जैसे अपना मंथ की होगा तो यहाँ पे ये मटेरियल भी शायद से सारा खत्म हो जाएगा। एंड एक बार मैं चाहता हूँ डेयरी जल्दी से अपनी फ्री हो जाए ताकि मैं इसको भी बेच दूँ। यहाँ पे भी मेरे को पोल्ट्री फार्म लगाना है और ये जो डेयरी का जितने भी फैक्ट्री डिपार्टमेंट है ना इस सबको अपन एक दिशा में एक तरफ करेंगे। ओके डन, अभी भी 31,000 लीटर और बच गए वीट इसके अंदर, तो ठीक है मेरे को पता ही था। लेट्स गो, यहीं पे सो जाते हैं नीचे क्योंकि अपने सोने के लिए घर वर या फिर ऐसा कुछ तो है नहीं। ऑलराइट, एंड इस बार जो अपना प्रॉपर्टी इनकम यानी कि टोटल रेवेन्यू बनाए $58,000 यानी कि $60,000 टोटल। अटेंशन, अबे ये देख लो हालत, अभी जबकि खाना डाल के तो उठाऊं मैं एंड अटेंशन ही आ गया। बाकी क्लोथ की फैक्ट्री में देखे ना तो वेट एक महीना स्किप हुआ, उसके बाद भी इन्होंने सिर्फ 980 लीटर क्लोथ बनाया है। नीचे देखो कोने में लिखे हुए, अबे यार ये तो बहुत स्लो फैक्ट्री है भाई। और ये बेस्ट फैक्ट्री है सच्ची बता रहा हूँ मैं, बेस्ट मतलब अपन चाहे तो कोई सी मोड वाली भी यूज कर सकते हैं, जैसे अब तुमने कुकी वाली लगा दी थी ना गलती से, पर वो फिर अनरियल हो जाती है यार बहुत ज्यादा। बाकी ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं, अपन जब बहुत सारा फैक्ट्रिया लगा देंगे ना इसकी तो फिर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा सीन। बाकी इधर देखो, इधर भी अपने फेब्रिक के पेलेट बन रहे हैं। चलो इनको नहीं देखना है फिलहाल, मेरे को मेरा जो ब्लू कलर वाला व्हीकल है वो देखना है। एंड उससे पहले अगर मैं इधर से सेल देख लूं तो वेट, यहाँ पे हार्वेस्टर मिल रहा है मेरे को, लेकिन हार्वेस्टर का मैं क्या करूँ यार, मतलब हार्वेस्टर का मैं यूज ही नहीं, मेरे पास पड़ा हुआ है हार्वेस्टर ऑलरेडी हरे कलर का, चाह रहा हूँ कि कोई सा व्हीकल मिले तो मजा आ जाए। एंड यहाँ पे जो मिनरल फीड के पेलेट है ना, ये पेलेट कितने पुराने यार, जब अपने यहाँ पे फिश के लिए स्विमिंग पूल लगाए थे याद है ना, बहुत पहले की बात है, उस टाइम के मिनरल फीड अभी तक यहाँ पे पड़े हुए। एक्चुअली ये ना स्टोरेज के नीचे दब गए थे जब मैंने स्टोरेज लगाया था ना यहाँ पे, तो उस वजह से। बाकी बताना मेरे को यार, मेरे को फिश के वो लगाने चाहिए क्या स्विमिंग पूल, वो अगर अपन बड़े वाले फिश के वो लगाते हैं ना तो मेरे ख्याल से काफी सही रहेगा वो। एक्चुअली अपने पिछली बार छोटे छोटे लगाए थे ना, मैंने अभी अपना क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं तो जो बड़े बड़े पूल है ना, एक बार मैं अगर बिल्ड मोड के अंदर आके दिखा देता हूँ कि कौन से पूल की बातचीत कर रहा हूँ। तो ये देखो लास्ट टाइम जो अपने लगाए थे ना, तो अपने ये लगाए थे बहुत छोटे छोटे से $20,000 के। बाकी अगर अपन इस बार ये लगा दे, सोचो ये कि कितना बड़ा है, बट उसकी कॉस्ट देखो यार 150K, और इसके अंदर अपने को ज्यादा सामान भी डालना नहीं पड़ेगा, समझ लो। मतलब लास्ट टाइम जो अपने ये लगाया था ना, इसके अंदर तो अपने को सोया वीट कॉर्न मिनरल फीड इतनी चार तरह का सामान डालना पड़ रहा था, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मिनरल फीड और कॉर्न एंड अपना काम कंप्लीट। बताना मेरे को क्या मेरे को फिश का जो पूल है वो दोबारा से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बाकी ठीक है, इधर से मैं सबसे पहले तो इसको चेंज करके ना वीट पे कर देता हूँ। ओके, एंड इसके अंदर सोलिड फर्टिलाइजर भी डलवाना पड़ेगा मेरे को, तो क्या करें शॉप से खरीद कर डलवाएं या फिर एक काम करते ना, वो स्टेशन रहेगा ना अपने पास में वहीं से डलवाते हैं। एंड लेट्स गो वीट डलवाते हैं, एंड सोलिड फर्टिलाइजर में इसके अंदर नहीं डलवा सकता हूँ, क्या बात कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी अरे शॉप पे रहेगा ना पेलेट अपने पास में पड़े हुए हैं, अबे यार ओके ये पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो कितने सारे पेलेट है यार, यहाँ पे सोलिड लिक्विड सारे तरह के तो फर्टिलाइजर पड़े हुए हैं, तो बिंदास इसके पास में लगाते इसको एंड इसमें से ये लोड करवा लेते। उसको देखो उसने पूरी फील्ड के अंदर लाइन छिड़क दी है, अरे नाइस यार। मतलब इस फील्ड के अंदर जब भी वेट, अभी तो खेत प्लांट कर रहे हैं अपन, लेकिन जब भी हार्वेस्ट करेंगे ना तो एकदम खतरनाक तरीके से यील्ड बोनस मिलने वाला है अपने को। अरे द ग्राउंड इज परफेक्टली ड्राई, मुझे ऐसा लगा एकदम से कि द ग्राउंड इज फ्रोजन ऐसा कुछ लिखा हुआ है दिखे। बाकी मस्त है ना, इधर देखो कुछ भी नहीं मांग रहा है अपने उसे, मतलब वीड वगैरह वगैरह कुछ नहीं, बस कल यहाँ पे प्लांट करते एंड फर्टिलाइजर एंड मस्त हो जाएगा था सीन। एंड वो उधर रुक गया, इसका मतलब उसने वो वाला कोना छोड़ दिया दोबारा से, अबे यार। बाकी ठीक है मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ, एंड वीड तो सिलेक्टेड है ही, कोई टेंशन नहीं है, मस्त ऑन करते हैं इसको। ओके एंड लेट्स गो, ये कितने मीटर का यार वैसे देखा जाए तो। एक सेकंड भाई, एक सेकंड के लिए मैं वर्कर को दे रहा हूँ, ठीक है। तो वर्कर भाई दो मिनट काम कर, अभी फटाफट अपन शॉप में चलते हैं। एंड एक मिनट, यहाँ से देखते हैं कि जो सीडर मेरे पास है ना अभी, और ये रही है ना 15 मीटर का सीडर, बताओ 6 मीटर कहाँ 15 मीटर, तो ये खरीदेंगे अपन। वैसे 200K का है, बट इसको खरीद सकते हैं अपने, यहाँ मेरे पास बहुत सारे पैसे रह गए अभी अपने पास में। अभी देखो जैसे मैंने प्लांटेशन किया, एंड यहाँ पे वीड भी बता दी इसने और रोलिंग का भी बता दिया कि भाई वीड भी ग्रो हो रही है, लाइम की भी जरूरत है, लाइम नहीं सॉरी रोलिंग की भी जरूरत है। बाकी यस मैं एक्चुअली बता रहा था कि यहाँ पे अपनी सोबिल निकाल के ना, जो पेड़ ऐसे बीच रस्ते में आ रहे ना इनको काट देते यार है ना, हटाएंगे नहीं बस काट काट के साइड में कर देते थोड़ा सा, ताकि ये एरिया फ्री हो जाए थोड़ा अच्छा दिखे।
ओके कंप्लीट। तो दोनों ही पेड़ मैंने गिरा दिए, अब कभी भी यहाँ पे ट्रेलर वेलर लेके आएंगे ना तो उस टाइम पे इनको उठा लेंगे यहाँ से। बाकी यार इस ट्रक का कुछ पता लगा क्या यार, ये किस चीज का ट्रक है? मतलब मैंने देखा भी नहीं और पता भी नहीं लगा अभी तक। बाकी काम करते हैं यहाँ पे लैंडस्केपिंग में आके ना इस जगह को ना थोड़ा सा सही कर देते यार, पेंट में घास वास लेके। यार यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कुबर हो रखा ना एरिया, झाड़ वाड़ ऐसे बड़े हो रखे ना, इनको एक बार सही करके ना। ओके कंप्लीट। एंड अभी ला भाई मेरे को दे दे मेरा काम यार। तो थोड़ा सा सीडिंग की काम अपन कर लेते हैं, मतलब पूरी फील्ड में तो क्या करेंगे अपन, लेकिन देखते हैं जितना भी अपन कर सके। एक बार ना इसकी हालत देखो यार, ये लाइव में चला रहा है ना तो पूरा ही ना कबाड़ी कर दिया इसने। आगे ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ऑन करते हैं अपन। तो वैसे इस फील्ड का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस फील्ड के अंदर मेरे को अभी भी बहुत सारी चीजें करनी है। जैसे इसके अंदर अभी जैसे अपनों ने सीडिंग करी, इसके अंदर इन्होंने तुरंत बता दिया कि भाई रोलिंग की जरूरत है, क्योंकि पत्थर अपनों को दिख रहे हैं यार वैसे भी साफ साफ, तो रोलिंग की जरूरत थी इसमें। तो इसके अंदर अभी रोलिंग करनी अपनों को, फिर इसके अंदर क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे वीड ग्रो हो जाएगी तो वीड हटानी पड़ेगी अपनों को। लेकिन ठीक है यार अपन कर लेंगे। वैसे भी अपने बहुत टाइम से कुछ भी प्लांटेशन का काम किया ही नहीं है, बताओ सोचो कब किया था लास्ट टाइम अपना कुछ भी प्लांट। ओके तो चलो यार ये इसको मैंने दोबारा से वर्कर को दिया है जस्ट इसलिए क्योंकि यार इधर कोना ना थोड़ा सा छोड़ दिया उसने लाइन वाले ने, तो मेरे को ना वो मैन्युअली करना पड़ेगा खुद से। तो लेट्स गो, चल के ना मैं लाइन छिड़क लेता हूँ। यार इसकी चाल जो है ना, प्लेयर की चाल, प्लेयर की मूवमेंट इतनी बेकार है ना सच में। कास्ट 25 के अंदर ये चीजें फिक्स कर दे ये लोग तो मस्त रहेगा यार। बाकी बिल्कुल कितना अजीब दिखता है देखो, ऐसा लगता है कि अभी कुछ कार्टून सा मोबाइल का गेम खेल रहे हो इसमें देख रहे हो। इसके अंदर मैं ऊपर से ना ये हेडलाइट भी चला सकता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते शायद से बीकन लाइट, यस। बाकी यहाँ से अपने को ऑन करना है एंड इधर से लाइन छिड़कने का काम चालू करते हैं। ये खरीदे यार किसी, क्या बोलते हो 1100 हॉर्स पावर का ये, मतलब एकदम मजाक हो रहा है क्या? स्पीड भली इसकी कम है, 30 की स्पीड ही है। अरे फिर क्या मतलब आएगा यार, मतलब 1100 हॉर्स पावर होने का क्या मतलब फिर, अगर स्पीड 30 की है उसकी, मतलब अब कितना ही पावरफुल है, 30 से ऊपर तो चलेगा नहीं ना वो। और अपनों को ज्यादा पावर क्यों चाहिए, ताकि भाई कोई सा भी पावरफुल टूल भी होना भेजे तो उसको भी बड़ी आसानी से खींच ले वो। यार यहाँ का मैकेनिज्म देखो, मैंने अभी देखा है सच में, इससे पहले मैंने नोटिस नहीं किया था। देखो ये मशीन अभी ऑफ पड़ी हुई है, मैं जैसे इसको ऑन करवाना तो होगा क्या एक्चुअली, यहाँ से ये जो दरवाजा ढक्कन लगा हुआ है ना, ये दरवाजा ये ढक्कन खुल जाएगा। यार ये खुला और सारा मटेरियल इधर से नीचे आने लग गया है, देखो कितनी मोटी मोटी है ना, कितना खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा है वो। एंड यहाँ पे पंखे चल रहे हैं दो, जो पंखे क्या उसको स्प्रेड कर रहे हैं ऐसे। एंड इस तरीके से ये अपने जो लाइम है ना ये फैल रही है पूरी फील्ड के अंदर, तो वाह यार कितना सही मैकेनिज्म। बादल, अच्छा नहीं ब्रीडल। एंड इसी के साथ में लाइमिंग का काम कंप्लीट। ये थोड़ी सी लाइन रह गई है, लेकिन उस लाइन में मैंने ऑलरेडी सीडिंग कर रखी है, मतलब वहां पे पहले से लाइम डाल रखी थी अब तो ठीक है, ये वाला काम हो गया है कंप्लीट। बाकी एक बार ग्रेप देखो यार, कितने सारे ग्रेप है। मैं एक बार जस्ट अगर यहाँ पे देखूँ ना तो ये जो एक ग्रेप की ये लगी हुई ना वाइन, इस एक के अंदर 5000 लीटर ग्रेप पड़े हुए हैं ठीक है। एंड इसके अंदर देखूँ मैं, इसके अंदर भी 4900, यानी कि 5000 लीटर एक के अंदर है। अगर मैं बिल्ड मोड के अंदर आ जाता हूँ एंड यहाँ से गिनो बस इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50, मतलब 50 से टोटल, 50 × 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे। एंड प्लस इतने ही सारे ग्रेप्स अपने इसके अंदर कितने यार, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा पड़े हुए एक्चुअली। हाँ व्हाट, 4,95,000 लीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 5 लाख लीटर इसके अंदर। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे ग्रेप्स है अपने पास में। बाकी यार अभी आती है घास की स्पीड के अंदर, और चलो अच्छी बात ये है कि इसके अंदर ना घास दोबारा से बड़ी नहीं हुई है, तो अपने को दोबारा मूव करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपने जो फॉरेस्ट हार्वेस्टर है ना उसके पास चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या किया जाए। एनी ट्रक अभी तक ऑन पड़ा हुआ है कैसे पर, अभी मैं तो उतरा हुआ हूँ इससे, चल मैं अरे रुको, इसके अंदर वीट पड़े हुए बहुत सारे, मेरे को ना इसको इस सिलो के अंदर खाली करवाना पड़ेगा पहले। ये जो अपनी ग्रेनरी है ना इसके अंदर खाली करवा देते, मैं चाहूँ तो इसको भेज भी सकता हूँ, बट चलो ना ये स्टोरेज अपने किसने लगा रखे, इनका भी यूज कर लेते कभी कभार इसे, तो इसके अंदर डलवा देते हैं सारे वीट। मेरे को ट्रेलर फ्री चाहिए यार, इसको अपने को फोरेज हार्वेस्टर के पीछे लगाना पड़ेगा। ओके यहीं पर डीचेज करवा देते इसको, एंड इस ट्रक को मैं थोड़ा सा इधर साइड में कर देता हूँ राइट। अभी मेरे को इसका भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म खरीदना पड़ेगा यार, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है कि इसके आगे मतलब इससे घास अपन काटेंगे कैसे। सबसे पहले जो आगे जो इसका टूल लगा हुआ है ना, वेट, अरे अनफोल्ड नहीं करना है, बताओ यार क्या बातचीत होगी। ओके तो जो आगे वाला टूल है ना इसको पहले खुलवा देते हैं यहाँ पे, आगे कुछ और कनेक्ट करवाना पड़ेगा आप लोगों को। अरे हो जा यार ये तो बताओ, एक डोली पीछे से सही नहीं चल रही है इसके, इसके टायर क्या बहुत मोटे मोटे है ना, तो मेरे को बहुत छोटे छोटे कट के साथ में इसको ले जाना पड़ेगा, तभी ये डोली बहुत परफेक्टली जाके
कनेक्ट होगी इससे। ऑल राइट डन, अभी आ जाते शॉप के अंदर अपन, एंड अब देख लेते अपन कॉम्बिनेशन इसके। सारी घास काटने की, बट बहुत छोटी छोटी यार ये। ओके ये मिल रहा है मेरे को 65,000 का और ये 6.2 मीटर का है। मेरे ख्याल से ये घास काटने में काम आएगा। और इसके अलावा ये जो बाकी जितनी भी हेडर है ना, इनमें एक भी घास के लिए नहीं दिख रही मेरे को, बाकी सारी क्रॉप वाली है। तो इधर आके ये सबसे बड़ी वाली जो है ना, इसके $63,000 लग रहे हैं। तो चलो इसको खरीद लेते हैं। अभी देखते हैं यार स्केम ना हो जाए अपने साथ में, मतलब ऐसा ना हो जाए कि उससे घास कटे ना कुछ और ही सीन के लिए हो। देखते हैं कि क्या इसे घास कटती है या फिर ओ घास, आर यू सीरियस, अरे इसे घास कट रही है। बट एक्चुअली पता है सीन क्या हो रहा है, अबे वे ये घास काट रहा है, जो नीचे घास नहीं नहीं बड़ी हो रही ना, ये देखो जो ग्रो हो रही है ना, वो घास को काट रहा है। ये जो नीचे पड़ी हुई घास है ना, इसको नहीं समेट रहा ये। अबे क्या बात कर रहे हो, ना 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 ना, ना, ना। इसलिए थोड़ी खरीदा क्या मैंने। अबे यार क्या बात कर रहे हो, छी यार मेरे को लगा था कि घास काटने के साथ में ना ये इकट्ठा भी कर लेगा, बट एक्चुअली अपने को घास काटने थोड़ी, घास तो कटी हुई पड़ी है अपनी, अपने को बस उसको उठाना है। अरे यार ऐसे ही $65,000 बिगाड़ गया अपने। शेड, ये मैंने थोड़ा सा दिमाग क्यों नहीं लगाया यार कि ये मशीन घास काटेगी, अपने को काटना नहीं अपने को समेटना है। ओके तो मेरे को ना अगेन विंड रोवर की हेल्प से वही अपनी जो ट्रेडिशनल तरीका है ना अपना, उसी का यूज करना पड़ेगा। बाकी मैं विंड रोवर ढूंढ रहा हूँ अपना, जो कि मेरे को मिल नहीं रहा है कहीं पर भी। अबे अपने पास जो विंड रोवर है ना, वो सबसे बड़ा विंड रोवर है। सबसे बड़ा तो क्या मतलब, हाईएस्ट इसके ना 15 मीटर का है और अपने पास में 14.9 मीटर का समथिंग कुछ है। बाकी मेरे को दिख नहीं रहा है वो है कहाँ पे। तो मेरे को बेल ही निकालनी पड़ेगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बेल ही निकाल देंगे अपन। वैसे भी अभी तो अपने पास में स्टोरेज है, तो अपन सीधे सीधे उसके अंदर डलवा देंगे, अपने को टेंशन भी नहीं होगी। बाकी एक काम करते हैं, इसको लगाते हैं, पर क्योंकि अपनी फील्ड ना दो हिस्सों में बटी पड़ी है। बीच में हमें ये स्टोरेज लगा रखा है ना अपनों ने बूट का, इस वजह से ना अपनी जो फील्ड है ना वो दो हिस्सों में बटी हुई है। बाकी लेट्स गो, इसको अनफोल्ड करवाते सबसे पहले, एंड देखना बहुत ही बड़ा फेल जाएगा। जो एक मोटी सी लेयर बनेगी ना घास की, वो क्या दिखने वाले, मतलब अभी अंदाजा लगाओ। वैसे मेरा आइडिया था, आइडिया क्या मतलब मेरा प्लान था कि इस फील्ड को मैं कम से कम 20 या 30 बार मूव करूं, समझ रहे हो, मतलब बहुत मोटी घास की लेयर बन जाती है इसके अंदर और फिर अपन इसको समेटते हैं। बट ठीक है यार, अभी क्योंकि अपने को फील्ड की ज़रूरत है, और वो जो 20-30 बार प्लांट करने वाला सीन है ना, वो अपन किसी परफेक्ट फील्ड के अंदर करेंगे। ये फील्ड बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी यार, इसमें इधर सो में ये लगा रखा अपने स्टोरेज, उधर ग्रेप जूस की फैक्ट्री, और 10 जगह तो अटक जाती थी अपनी, है ना, अपना मशीन वगैरह वर्कर वगैरह। तो ठीक है कोई बात नहीं। वैसे ये लेयर भी ना बहुत मोटी दिख रही है, मेरे को कोई आइडिया नहीं इस फील्ड से कितनी घास निकलने वाली है, बस अंदाजा लगाओ। वैसे अभी अपने को पता लग ही जाएगा। ठीक है मैं एक और व्हीकल का जुगाड़ करके आता हूँ। क्या है कि मेरे को इसके अंदर बेलर चलाना पड़ेगा ना। अब सोचो यार, बेल से कलेक्ट करें या फिर जो मेरे पास ट्रेलर है, मेरे पास ये ट्रेलर रह गया जो सीधे घास को उठा सकता है। पर दिक्कत पता है क्या है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम है यार, इसकी कैपेसिटी सिर्फ 40,000 लीटर है। तो मेरे को बहुत बहुत मल्टीपल राउंड करने पड़ेंगे। और वहीं पे अदर साइड में अपने पास में बहुत ही मस्त, अरे यार एक बढ़िया सा बेलर खरीदा है अपनों ने यार, तो उसी का यूज करते हैं ना, है कि नहीं। एंड इन सब के लिए मेरे को वो वाला जो अपना, एक सेकंड मेरे को मैप में देखना, तो कि वो वाला जो अपना व्हीकल है ना वो फ्री हुआ है फिर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सीडर लगा रखा है, और वेट ये तो यहाँ पे चल रहा है। ये फील्ड देखो यार कितनी मस्त दिख रहे ना कि इतनी इतनी हो गई है। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लांटेशन का काम कर रहा है। क्या बोलते हैं, अरे एक खरीद लेते यार, एक व्हीकल है ना, शॉप वॉप में तो आ नहीं रहा है, इधर आते हैं और फर्स्ट क्लास एक लार्ज ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे को देखने दो यार, जो कम प्राइस में मिल जाए अपनों को, क्योंकि यार पैसे है इसका, मतलब ये नहीं कि सारी खर्च करते अपन, तो पैसे भी देखना पड़ेगा। और देख लेता हूँ मैं, अच्छा सा मिल जाए अपने को कोई साथ। ओके तो ये वाला व्हीकल मैंने मॉडिफाई करवा दिया है, एंड ये मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है, कम प्राइस में ज्यादा हॉर्स पावर मिल रहा है आपको। तो देखो 517 हॉर्स पावर का, एंड इसकी कॉस्ट है 370K, यानी कि ऑलमोस्ट $370,000। तो बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले, बट ठीक है यार चलो इसको खरीद लेते हैं। एंड वैसे भी अपनों ने बहुत लंबे टाइम से डायरेक्ट एकदम नया व्हीकल को परचेस किया भी नहीं है, तो ठीक है उसको शॉप से लेके आ जाता हूँ मैं। एंड अपने पास में बहुत कम सिर्फ $250,000 बचे हैं। तो ना बड़ा दिख रहा है ये, मैं इसके साइड में खड़ा हूँ, और सीरियसली ये देखो, मैंने इसके टायर में वेट वेट लगवा के ना अभी मस्त कर दिया है मैंने, मतलब ये वेट लगवा रखा है, ध्यान से देख रहे हो रिंग के अंदर, तो पैसे भी तो लगे हैं। बाकी ये बहुत पावरफुल है यार, मतलब इसकी स्पीड भी ठीक ठाक है, पावर बहुत ज्यादा है इसकी। तो चलो देखते इसके पीछे बेलर चलाएंगे ना अपन, तो अपन को आइडिया लग ही जाएगा। वैसे भी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि बेलर लास्ट टाइम जब मैंने, तो बेलर मेरे ख्याल से ना इधर की इधर फील्ड के अंदर पड़ा होगा शायद, यहाँ पर, ओ ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें अपन बेल निकाल रहे थे ना यार। इसने कितनी सारी लाइनें बना दी यार, एक बार घास देखो सारी इकट्ठा कर दी, कितनी, एक बार मैं खड़ा हूँ इधर इस एक लेन के साइड में मैं खड़ा हूँ, देखो कितनी मोटी लेयर है, कितनी मोटी लाइन, ये देखो मैं इसके अंदर खड़ा हूँ, मेरा पूरा मेरी कमर तक इतनी बड़ी है, सोचो मतलब कितनी फीट की होगी, अंदाजा लगाओ। ये जो आप पर्सन है ना, इसकी हाइट मान के चलते हैं, 6 फीट का तो होगा या फिर 5 का मान के चलते हैं, ठीक है ना, मेरी हाइट भी हुई है, पेट तक आ रही है, मतलब सोचो रियल में कितनी मोटी होगी है। बाकी चलो ठीक है, मेरी जो कार पड़ी हुई है ना उस वाली फील्ड में, वो लेके चलते हैं, क्योंकि वो फास्ट भी है, उसे फटाफट अपन बेलर कनेक्ट करवा के ले आएंगे। मेरे को एक बात बताओ, बारिश आ रही है, ये कीचड़ साफ क्यों नहीं हो रही है फिर,
कार पे तो 1% मतलब साफ नहीं हो रही बिल्कुल ही। और मेरा टायर देखो एक बार फील्ड के अंदर ही दब गया बिल्कुल ही। कीचड़ देखो एक बार एकदम ना मजा ही आ जाता देखने में। बाकी लेट्स गो अपना बेला लेके आ जाते हैं। मेरा हार्वेस्टर भी यहीं पे खड़ा हुआ है तो इसको भी मेरे को ले जाना है। हालांकि हार्वेस्टर का अभी कोई भी यूज नहीं है अपने पास में। ब्लॉक बाय ऑब्जेक्ट कौन ब्लॉक हुआ है वो। ओके तो चलो यार ये आ चुका है अपना बेलर यहाँ पे। एंड मेरे ख्याल से उसने वो उधर भी चला गया, अपने आप चला गया क्या? इतना दिमाग कैसे लगा लिया उसने? क्या मजाक कर रहे हो भी? एक सेकंड रुको, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ये वर्कर इतने खत्म होते ना इस गेम के, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि वो उसको मैंने उधर से इधर लगाया था एंड उधर इसको कैसे पता चल गया कि वहां की फील्ड खाली पड़ी हुई है, मतलब वहां भी घास समेट नहीं है। ये देखो भाई इधर आके ना इधर की भी घास इसने इकट्ठा कर दी है। बड़े यार ये तो बुद्धिमान लोग है सच में यार। और यहाँ की घास ना रेडी टू हार्वेस्ट हो चुकी है, बट मैं अभी इसको कोई हार्वेस्टिंग वगैरह नहीं करने वाला हूँ। बाकी ठीक है, इसको मैं सबसे पहले खुलवा देता हूँ इसके पीछे से। इस कार को ना थोड़ा सा साइड में कर देते हैं यहाँ पे। एंड जो पावरफुल खरीदा है अभी अभी अपनों ने व्हीकल, इसके पीछे लगाते हैं इसको। 500 horse power का है, 500 horse power मतलब मजाक हो रहा है क्या? देखे तो सही। एंड एक और चीज, उतनी सारी बेलर नहीं निकलेगी जितनी पिछली बार अपने किया था ना, तब तो क्या छोटा बेलर था अपने पास में तो उससे क्या शक 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 बहुत सारी बेलर निकाल दी थी उसने। लेकिन इस बार क्योंकि बेलर बड़ा है यार, 8,000 liter की एक बेल बनाता है तो यस थोड़ी कम बेले निकालेगा, लेकिन क्वांटिटी तो अपने को खैर पता लगी जाएगी। तो लेट्स गो नीचे करते इसको। एंड प्लीज यार ऐसा कुछ मत बोलना, यूर बेलर इज बिंग डैमेज बाय रेन। अरे ठीक है, अब रेन हो रही है। नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। बहुत कम घास समेट कर इकट्ठा कर रहा है ये, क्या कि बारिश के टाइम पे ना यील्ड बोनस वगैरह बहुत कम इकट्ठा करता है। अभी नहीं कर रहे, मेरे को वेट करना पड़ेगा इसके लिए। अभी करूँगा ना मैं तो बारिश हो रही ना, तो उस वजह से मेरे को एक तो यील्ड बोनस बहुत कम मिलेगा, मतलब ये जो घास है ना पानी की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है तो ये बहुत कम कलेक्ट होगी। एंड दूसरी चीज, ये जो बेलर है ना ये भी डैमेज होता रहेगा अपना। ये देखो 12% डैमेज हो गया इतना सा चलाने में। बाकी चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वैसे भी अभी अपनों को फैक्ट्री का मामला, फैक्ट्री का जो सीन है ना वो थोड़ा सॉर्ट करना है। तो लेट्स गो उसके ऊपर आ जाते हैं। रही बात घास की, तो घास को तो कर लेंगे यार, ये कहीं घास कहीं नहीं जा रही अपनी। और मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में ना बारिश बंद हो जाएगी, बारिश ज्यादा टाइम तक नहीं चलती है, तो बारिश बंद होने का इंतजार करते हैं अपन। एंड आ जाते हैं फिलहाल यहाँ पर। अभी अगर फैक्ट्री के अंदर जाके देखो ना तो यहाँ पे ग्रेप्स खत्म हो चुकी, ग्रेप जूस और राइसिंस पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके काम करता हूँ, ये पेलेट वैसे मैं हाथों से उठा सकता हूँ, तो इनको ना उठा उठा थोड़ा साइड में रख देता हूँ मैं, ताकि यहाँ पे सारे पेलेट आ जाएंगे ना तो अपन इस फैक्ट्री को बेच सकते हैं। एक्चुअली मेरे को इससे अच्छी वाली ग्रेप जूस की फैक्ट्री ढूंढ के ना वो लगाना है, और दूसरी बार इसको रीपोजिशन भी करना है। ये बहुत ही गलत जगह पे लगा दी अपनों ने। अरे कितने पेलेट है? ओके ठीक है, लास्ट पेलेट आई थिंक से, इसको भी हटाते हैं। अरे हट जा यार इधर। ओके अब मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर 200 liter ग्रेप जूस, ठीक है भाई, तो अभी मैं इसको बड़ी आसानी से बेच सकता हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी ग्रेप वगैरह नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ से हो चुकी है अपनी फैक्ट्री एकदम नीट एंड क्लीन। अभी ना ये जो एरिया है ना इसको भी अपन थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं बिल्कुल फील्ड, मतलब यहाँ पे फील्ड बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी यहाँ की भी। वैसे एक सेकंड रुको, यहाँ पे मैं ना एक डेयरी जो है ना डेयरी का भी देख लेता हूँ एक बार। डेयरी का मटेरियल खाली हुआ नहीं हुआ। ओके मिल्क यहाँ पे अभी भी 6,000 liter और मिल्क पड़ा हुआ है, बताओ क्या बोलते हो यार? बेच दूँ इसको, मतलब काफी मिल्क इसके अंदर जो कि लॉस हो जाएगा वो अपना। बाकी चलो कर देते हैं, ठीक है मैं ज्यादा वेट नहीं करना चाह रहा हूँ। एक मिनट, सबसे पहले जितने पेलेट है ना मैं धीरे धीरे इनको धक्का मार के ना इनको हटा देता हूँ इस लाइन से। एंड ये वाला एरिया भी हो चुका है फ्री। एंड काम करता हूँ, ये जो मैंने ऊपर चढ़ने के लिए लगाया था ना अंदर का मैकेनिज्म देखने के लिए लगाया था मैं, ताकि हाइट एक्चुअली मेरी छोटी हो रही थी ना थोड़ी सी। बाकी चलो यार ये वाला एरिया जो है वो भी फ्री हो चुका है। बाकी अपनी फ्लोर की फैक्ट्री अभी भी उधर ही पड़ी हुई है, तो चलो उसको भी किसी दिन ले आएंगे। अभी तो मेरे ख्याल से उसके अंदर मैंने बहुत सारा वीट डाल रखा है तो अभी कोई मतलब नहीं बनेगा उसको लाने का। एंड रही बात ये जो काऊ का बान है इसको मैं शिफ्ट करवाऊँ किससे यार? तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले जो ट्रेलर पड़ा हुआ ना यहाँ पे इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ये काऊ का बान मेरे को हटाना यार क्योंकि वो काफी जगह कवर कर रहा है, मैं उस जगह पे भी नई फैक्ट्री लगा सकता हूँ। क्योंकि यार जैसा कि मैंने कहा ये पूरा एरिया जो है ना ये पूरा डिपार्टमेंट स्पेशली फैक्ट्री के लिए ही होने वाला है अब। ओके इस बान को मैं डायरेक्ट अभी नहीं बेच सकता हूँ यार, इसके अंदर सोचो 30,000 liter मिल्क पड़ा हुआ है, इसके अंदर 84,000 liter स्लरी पड़ी हुई है, प्लस खाना भी है। तो चलो वेट कर लेते थोड़ा सा, वैसे भी अपने पास में जगह है ना यार। तो आ जाते हैं बिल्ड मोड के अंदर। एंड ये देखो यहाँ पे कुकी फैक्ट्री है अपनी, तो इसके साइड में रहेगी जगह, तो लेट्स गो आ जाता प्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहले ग्रेप जूस की फैक्ट्री लगाने में को, इन सबसे पहले मेरे को गेम सेव कर लेने दो क्योंकि फैक्ट्री में जो जब भी आता हूँ ना मैं कंस्ट्रक्शन मोड के अंदर, मेरा गेम बहुत बार क्रेश हो रखा है उसके अंदर। ओके तो ये वाली फैक्ट्री था मेरे को काफी सही लग रही है। एक्चुअली फैक्ट्री अपनी जो डेयरी लगाई थी ना अभी अपनों ने, अभी जो डेयरी लगा रखी थी उस टाइप की है दिखने में, लेकिन ये ना जूस फैक्ट्री है जिसके अंदर अपन ग्रेप का जूस भी बना सकते हैं प्लस टोमेटो का भी जूस बना सकते हैं। तो यस इसी बहाने ना अपन जो अपने ग्रीन हाउस है ना, आपको पता ना वो ग्रीन हाउस भी लगाना है अभी, तो ग्रीन हाउस का भी काम जो मैंने पेंडिंग में रख रखा है। ओके तो
ग्रेप जूस की फैक्ट्री लगा दी अपनों ने, अब लगानी अपने को डेयरी, क्योंकि डेयरी भी तो अपनों ने हटाई है और अपने को चीज बटर चॉकलेट इनकी भी जरूरत पड़ने वाली, तो इसको भी अपन लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा था बट यार यहाँ पे तो ये रह गया अभी, तो ठीक है कोई बात नहीं। ओगोदार एक बार देखो भाई, परफेक्ट लग रही है ना एकदम किनारे पे, एंड कितनी मस्त लग रही है। बाकी यार ये पेड़ भी काट देता ना मैं तो काफी सही रहता, वैसे इधर से मेरा ट्रक वर्क तो निकल जाएगा ना, तो आसानी से अपनी व्हीकल निकल जाएंगे यहाँ से। एंड ज्यादा भी अपन बीच बीच में नहीं लगा सकते चीजों को, नहीं तो फिर रास्ते ही आने जाने का बंद हो जाएगा। बाकी एक बार और रखिए, अब मैंने चीजें तो सही लगा दी है, डोनट फैक्ट्री और बच रही मेरी, तो चलो डोनट फैक्ट्री को भी अभी लगा ही देते हैं। एंड फिर क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है तो फिर आते हैं अपन अपनी बेल समेटने वाले टास्क के ऊपर, ठीक है। तो यार जो डोनट की फैक्ट्री है ना, इसको मेरे को किसी ओपन जगह के अंदर लगाना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना, क्या कि इसके आगे भी सामान है ना कलेक्ट करने का, डालने का, पीछे भी, इधर भी उधर भी, तो इस वजह से। बाकी ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा ना, तो उधर भी अपना एरिया बच जाएगा काफी सारा, इधर भी बच जाएगा, एंड यहाँ पर मैं मस्त इसको प्लेस कर सकता हूँ। ऑलराइट, और यहीं से पास में जो अपने ने जूस की फैक्ट्री लगाई है, जिसका रास्ता ये देखो कितना मस्त बना रखा है ना, मतलब पीछे आने का वैसे इतना काम अपने को नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आगे मस्त अपन देख सकते हैं। तो अपने को वाटर, ग्रेप्स एंड टोमेटो डलवाने, वाटर का सिस्टम मैं ऑटोमेटिक करवा देता हूँ उसके अंदर, ठीक है। वाटर, व्हाट, ओ शिट, 1,00,000 लीटर पानी डलवाया, एक मिनट रुको यार पानी बंद करवाओ इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम। एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं इतने कितने पैसे काट लिए मेरे से, मेरे पास सिर्फ $81,000 बचे हुए। बाकी यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ पे टोमेटो एंड ग्रेप दोनों का जूस अपन बना सकते हैं, तो अपन जल्दी से जल्दी ना जो अपने ग्रीन हाउस है ना वो भी लगाने का ट्राई करते हैं। एंड लास्टली अपने जो डोनट फैक्ट्री यहाँ पे लगा दी, अभी ना अपना मार्केट काफी सही हो गया यार, एक बार देखोगे ना तो ये एरिया पूरा ही प्रोडक्शन वाला हो गया है। हालांकि एरिया बहुत छोटा है, अभी जैसे अपन एक नई फील्ड परचेस करेंगे ना तो प्रोडक्शन वाला जोन भी अपन थोड़ा और एक्सपेंड करने का ट्राई करेंगे। और ये एरिया वैसे वुड इंडस्ट्री के लिए रख रखा था मैंने, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि वुड इंडस्ट्री के लिए मेरे को एक स्पेशल फील्ड खरीदनी पड़ेगी बड़ी, क्योंकि वुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी यार, और वो एक छोटी मोटी जगह में आएगी नहीं। बाकी ठीक है यार, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है, लेट्स गो अपने इस व्हीकल के अंदर आते हैं, ऑन करते हैं अपने बेलर को, एंड अब निकालना चाह, अब देखो यार कितनी सारी घास इकट्ठा कर रहा है, एंड जब बारिश आ रही थी तब कितनी कम कम इकट्ठा कर रहा था। आगे चलो यार देखते हैं पूरी फील्ड से हमारी कितनी घास बनेगी, कितनी घास कलेक्ट होती है। एक बेल 8,000 लीटर की, एंड देखो मैं काउंट करूंगा बस, कि एक मिनट में पूरा एकदम स्ट्रेट लगा देता हूँ। अब देखो काउंट करो, ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखो 8,000 लीटर की नहीं बना रहा है, क्यों भाई क्या बात हो गई? अरे सबसे बड़ी यही है इसके अंदर, बाकी यस मतलब 6-7 सेकंड में बना दे रहा है एक बेल। एंड ये जो यहाँ पे बॉक्स पड़े हुए ना काफी सारे, इनको अभी उठा लेंगे, पहले एक बार मैं सारी बेल निकाल दूं। एंड अब आया बड़ा वाला ढेर, अब देखना इसमें से बेल कैसे निकलेगी। अब बेल देखो, बेल की काउंटेशन देखो एक बार निकलने की स्पीड, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, चार से पहले ही निकल जा रही है बताओ। तो चलो यार पूरी फील्ड को निकालते हैं, पूरी फील्ड की बेल कलेक्ट करते हैं, एंड देखते हैं कितनी यहाँ से निकलती है टोटल। ओके यार इसी के साथ में अंधेरा भी होने को आया है, एंड अपनी पूरी फील्ड कंप्लीट हो चुकी है, बस ये एक लाइन और बची हुई है जिसके अंदर पतली पतली सी लेयर रह गई, तो मैं इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल थोड़ी इतनी सी भी घास से छोड़ना कहीं से भी, 98, 99, और ये हो गया 100। ऑलराइट, इसको कर देते बंद, एंड यहाँ से कर देते अनलोड इन सारी बेल्स को। एंड अभी देखोगे ना तो यहाँ पे बेल्स में को नहीं है आइडिया कि कितनी है, मैं गिनने नहीं वाला हूँ, अभी चलते फटाफट से अपना जो कार और अपना वो जो ट्रेलर है ना वो लेके आते हैं। तो चलो यार ट्रक लेके चलते हैं, अपना ट्रेलर कनेक्ट करवाते हैं। मेरे को पता है इस ट्रेलर के अंदर मेरे को मैन्युअली लोड करवानी पड़ेगी एक बेल को, मैन्युअली से मेरा मतलब है मेरे को हर बेल के पास में जाके बटन दबाने पड़ेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं। बाकी वो जो अपना पुराना ट्रेलर था ना वो क्या ऑटोमेटिक बेल उठा लेता था, उसमें अपने को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाकी कॉम्बिनेशन बड़ा मस्त यार ये देखो, इस ट्रक के साथ इस ट्रेलर का कॉम्बिनेशन देखो, मतलब जो कलर वलर है वो भी काफी मतलब एकदम मैचिंग है। एंड रही बात इधर दिन की, तो दिन भाई काफी ज्यादा अंधेरा हो गया है, एंड थोड़ी देर में एकदम सी रात हो जाएगी, तो फटाफट से सारी बेल उठाते और देखते हैं कि बेल टोटल कितनी है। बाकी मेरे ग्रास ड्रायर की अगर स्टोरेज को मैं चेक करूँ ना तो इसके अंदर बिल्कुल भी, देखो सिलो एम्प्टी है ये वाली, ठीक है ना, तो इसके अंदर ही डलवाते अपन सारी, एंड देखते लास्ट में टोटल कितनी घास कलेक्ट हुई है। मेरे को तो लग रहा है कि 1,000,000 भी नहीं हुई यार, इस बार पता नहीं मेरे को कम क्यों लग रही है। आगे ठीक है यार, इस तरीके से मेरे को एक एक बेल के पास में आके उठाना पड़ेगा इसको, एक बेल अपनी 6,500 लीटर की। एंड वैसे ही मैंने इस ट्रेलर को कनेक्ट करवाया अपने ट्रक के ऊपर बताओ, तो पूरा एक ट्रेलर जैसे ही भराएगा ना ये वैसे ही अपना दम तोड़ देगा, देखना बिल्कुल ही लोड नहीं ले पाएगा। और अगर मेरा पहला ट्रेलर फुल होने को आया है, एंड सच यार ये एक एक बेल को उठाने वाली जो प्रोसेस है ना, मतलब हर बेल के पास में जा जाके उठा रहे अपन,
ये बहुत ही लॉन्ग मतलब काफ़ी लंबी प्रोसेस है सच्ची। एंजेलो ट्रेलर फुल हो चुका है अपने, एक ट्रेलर के अंदर 2.5 लाख लीटर घास इकट्ठा हुए टोटल। देखो वैसे बेल ऐसा तो नहीं है कि आज ही अपन कर रहे हो आज ही खत्म हो गए, अपने को स्ट्रो कलेक्ट करेंगे अपन, बेल कलेक्ट करेंगे घास की भी, तो अपने को ये प्रोसेस बार बार करनी पड़ेगी बहुत बार। तो मैं क्या सोच रहा हूँ इस वाले ट्रेलर को खाली करवाते हैं अपने स्टोरेज के अंदर एंड फटाफट से एक नया ट्रेलर खरीद के लाते हैं शॉप से जो एकदम ऑटोमेटिक बेल उठाए। बाकी चलो इधर से लाके ना बड़े ही आराम से, हाँ मेरे को बेल्ट खुलाना पड़ेगा शायद से। यस तो इसको लोड करवाते अपने इसके अंदर और उधर देखो भाई एक बार, लेट्स गो। गई सारी एंड लास्ट जो पीछे पड़ी हुई है ना इसको भी थोड़ा सा आगे लाते ट्रेलर को एंड कम्प्लीट। ऑलराइट तो चलो इस ट्रेलर को मैंने यहीं पे खुलवा दिया है एंड अभी चल के ना नया वाला ट्रेलर खरीद के लाते हैं। वैसे मेरे पास पैसे तो काफी सारे पड़े हुए, कोई टेंशन नहीं है, वह ट्रेलर की प्राइस देख लेते हैं। ऑलराइट तो ये वाला एक नया ट्रेलर है जो कि 50 फीट का है और सिर्फ $19,000 में पड़ा है मेरे को, तो लेट्स गो उसी को लेके आते हैं। बाकी वेट यार ये जो अभी अभी अपने एक मार्केट लगाया ना इसके अंदर से निकलते हैं, हालांकि रस्ते अभी तक अपने बनाए नहीं है तो रास्ते वस्ते सब बना देंगे यार। अभी तो बिल्कुल फ्लैट है नीचे की जमीन, तो पाथ वगैरह क्रिएट करना और वो सारी चीज़ें भी कर देंगे एंड यहाँ से अपना ट्रक वगैरह भी बड़ी आसानी से निकल पा रहा है, तो काफ़ी जगह है वहाँ पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड आपने जो खरीदा है ना ये वाला ट्रेलर खरीदा है इस बार, इसका कनेक्टर जो जॉइंट है ना अटैचर जॉइंट वगैरह ये बिल्कुल एकदम ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। बाकी लेट्स गो देखते हैं, इसमें लिखा हुआ तो था कि भाई बेल ऑटो लोड करवा लेगा है, बट देखते हैं कैसे चलता है। बाकी यार ये काफ़ी मस्त है यार, कितना फ्री हो गया अपना ट्रक ट्रेलर से एकदम से। ऑलराइट आ जाते हैं दोबारा से फील्ड के अंदर एंड कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा वैसे मेरे को। बाकी चलो इसके पास से अगर मैं निकालता हूँ तो फिर ये बेल ऑटो लोड करवा रहा है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है अलग। मेरे को लग रहा है मेरे को एक मिनट के लिए ना उतर के यहाँ पे एक लाइट लगाने चाहिए, मैं चाहूँ तो डे कर सकता हूँ अभी, बट यार वही बात है फिर खाना वाना देखो उन लोगों के एंड वही सब चीजें। पहले भी टेम्प्रेरी लाइट लगवा लेता हूँ यहाँ पे, मैं ये लाइटें मैं हटा दूंगा अभी, ये बहुत टेम्प्रेरी लगा रहा हूँ मैं, बहुत टेम्प्रेरी, जस्ट अपने फील्ड से मैं घास उठा लूँ इतने से देर के लिए। ओके और इसी के साथ में पूरी फील्ड कई जितनी भी घास थी वो सारी मैं कलेक्ट करके ले आया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लाइटें लगा दी मैंने तो इनको मैं बेच दूंगा अभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब लेट्स गो चलते हो स्टोरेज के अंदर देखते हैं, अभी तक मैंने भी देखा नहीं है एक्चुअली कि कितना यहाँ पे डाल दिया है मैंने मटेरियल। इधर आके अगर मैं देखूँ तो वेट यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो अबे ओके 9,62,860 लीटर यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैं मेरे ख्याल से 40,000 लीटर तो आराम से मिली जाएगी अगर मैं अभी भी एक थोड़ी बहुत घास वास काट के अगर मैं डाल दूँ ना तो मेरे ख्याल से 40 क्या यार यहाँ से पूरी फील्ड को अगर काटेंगे ना अपन फिर तो ज़्यादा मिली जाएगी। ऑलमोस्ट देखोगे तो 1,000,000 लीटर घास अपनों ने कलेक्ट करी और अपना ये वाला स्टोरेज ना इसके अंदर 2-3 बेल और आ जाएगी ना यहाँ पे। ये देखो ये जो स्टेक है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ए कहाँ चल रही है, हेलो ये देख लो तो 8 और अगर बेल आ गई ना तो पूरा स्टोरेज ये वाला फुल हो जाएगा। तो यार अभी अभी मैं सोच रहा था कि जो अभी भी अपनों ने फैक्ट्रियाँ लगाई है ना, ये डोनट फैक्ट्री, ये फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, तो पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा था कि इनके अंदर कितना सामान डलवा देते हैं, लेकिन अभी अभी फिर मैंने सोचा कि यार क्योंकि अंधेरा हो रहा है और अंधेरे में डालेंगे अपन तो मज़ा भी नहीं आएगा एंड नया डे करने के चक्कर में अपने को बहुत सारी काम करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे लोगों को खाना डालेंगे ये करेंगे एंड यस तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर ही करते हैं और भी कुछ 2-3 और काम पड़े हुए पेंडिंग तो उनको भी साथ साथ निपटा लेंगे एंड बस इस वाली वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप सो मज़ा आया होगा, आज अपन कुछ भी नामकरण नहीं कर रहे एंड अगेन यार सॉरी मुझे पता है 30 डे 30 वीडियो का जो चैलेंज था वो हमने आधे बीच में तोड़ दिया था किसी कारणवश, बट ट्रस्ट मी बहुत जल्दी हमारा 30 डे का चैलेंज फिर से कंप्लीट हो जाएगा, फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। ऑलराइट तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, गुड बाय।